हाय दोस्तों, साई इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम ये एल जी का फ्लैट टीवी रिपेयर करने वाले हैं, तो चलिए इसे ऑन करते हैं और देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए दोस्तों, टीवी को मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन ये देखिए कोई सप्लाई नहीं आया। तो चलिए जल्दी से टीवी को खोलते हैं और देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए दोस्तों, टीवी को मैंने खोल दिया है। तो चलिए अब हम इसके वोल्टेजेस चेक करेंगे। तो ये देखिए, वोल्टेज चेक करने के लिए मैं सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर 110 के आसपास वोल्टेज आने चाहिए। अभी मैंने दोस्तों सप्लाई नहीं दिया है, ये देखिए। तो चलिए इसे सप्लाई देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सप्लाई मैंने दे दिया है, ये देखिए। और अभी आउटपुट पर देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आउटपुट पर 0 वोल्टेज आ रही है। इसका मतलब दोस्तों, हमारा जो पावर सप्लाई है, वो पावर सप्लाई में फॉल्ट है दोस्तों। तो इसको हाथ लगाने से पहले दोस्तों, हमें ये जो कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को ये देखिए किसी 60 वाट 100 वाट बल्ब से पहले डिस्चार्ज कर कीजिए। कुछ ये देखिए, कुछ इस तरह से, ये देखिए दोस्तों, अगर आप डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो आपको करंट भी लग सकता है। तो चलिए मैं आपको ये देखिए ऊपर से दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, पहले भी इस टीवी का ये देखिए पावर सप्लाई रिपेयर हो चुका है। तो ये देखिए, जो पावर सप्लाई है वो खराब हो चुका है। ये देखिए इसका एसी पूरी तरह से जल चुका है। तो दोस्तों, ये पावर सप्लाई 3 वायर का है दोस्तों। तो अब हम ये देखिए, इसकी जगह ये देखिए, ये 5 वायर मॉडल पावर सप्लाई लगाएंगे दोस्तों। अगर आप ये 3 वायर का पावर सप्लाई लगाएंगे तो एलजी के बोर्ड पर ये नहीं चलेगा, कम से कम 1-1.5 महीना चलेगा और उसके बाद ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये 5 वायर का पावर सप्लाई लगाना है दोस्तों। तो चलिए इसे लगाते हैं। सबसे पहले हम ये पुराना वाला पावर सप्लाई निकालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये पुराना वाला पावर सप्लाई देखिए पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो चलिए अब हम ये नया वाला पावर सप्लाई लगाएंगे। दोस्तों, ये जो काली और ये जो लाल वायर है, ये वायर पावर सप्लाई में जाएंगी, और ये जो नीली और पीली वायर है, इस वायर को हम आउटपुट पर लगाएंगे, और ये जो वायर है दोस्तों, इस वायर को हम काट देंगे। तो दोस्तों, मॉड्यूल को ये देखिए शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए ये देखिए ये प्रोटेक्शन लगाया रहता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये पहले से ही लगाया है, तो हम इसी पर ही पावर सप्लाई लगाएंगे। तो दोस्तों, पावर सप्लाई को कुछ इस तरह से बैठने से ये देखिए ये कैपेसिटर नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसकी बॉडी है, उस बॉडी को निकाल लेंगे और सिर्फ ये पहले जो लगाया था, कुछ इस तरह से ये मॉड्यूल लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसका जो कवर है वो मैंने निकाल दिया है। तो चलिए अब हम इसे ऐसे लगाएंगे।
और ये देखिए अब हमारा कैपेसिटर अच्छी तरह से बैठ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों मॉडल को मैंने लगा दिया है। तो सबसे पहले हम ये दो वायर का कनेक्शन करेंगे, और ये जो लाल वाली वायर है वो ये देखिए एसटीआर के देखिए पहले वाले पॉइंट पर लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर, और इसे कुछ इस तरह से देखिए सोल्डरिंग करेंगे। और दूसरे वाले पॉइंट को ये देखिए उसके सामने ही लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर, और इसे भी हम सोल्डरिंग कर देंगे। तो अभी बचे हुए तीन वायर को ये देखिए इस हरी वाली वायर को हम ये देखिए यहाँ से काट देंगे, और ये दो वाली वायर बची हुई वायर ये देखिए हम आउटपुट पर लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों दोनों वायर को मैंने ये देखिए इस छेद में से लिया है। तो चलिए सबसे पहले ये जो नीली वाली वायर है हम ये देखिए ये ग्राउंड को लगाएंगे। तो ये देखिए इसका जो ग्राउंड है ये यहाँ पर आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया हुआ है। तो चलिए इसको हम ग्राउंड पर लगा देते हैं। और ये जो पीली वाली वायर है दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये डायोड है। इस डायोड के ये देखिए यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों इस डायोड का ये कैथोड है। तो इस कैथोड के पॉइंट पर हम ये देखिए ये पीली वाली वायर लगाएंगे, और हमको यहाँ पर 110 के आसपास वोल्टेज मिलेंगे। तो चलिए एक बार हम इसे वोल्टेज देते हैं। तो वोल्टेज देने से पहले ये देखिए दोस्तों ये जो कैपेसिटर निकला था हम ये कैपेसिटर ये देखिए यहाँ पर लगाइए। तो देखिए दोस्तों हमारा कैपेसिटर और हमारा पावर सप्लाई है वो लुक चुका है। तो चलिए एक बार हम इसे सप्लाई देकर चेक करते हैं। तो मीटर की ये देखिए काला प्रोब जो है मैं इस कॉमन पॉइंट पर लगाता हूँ। तो चलिए दोस्तों इसे सप्लाई देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों जैसे मैंने सप्लाई दे दिया है ये देखिए हमारा जो पावर सप्लाई है वो ऑन हो चुका है। और ये देखिए अब हम आउटपुट पर ये देखिए 135 के आसपास वोल्टेज आ रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं दोस्तों।
अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए इस पावर सप्लाई में, ये देखिए यहाँ पर एक प्रीसेट दिया हुआ है, हम इस प्रीसेट के जरिए वोल्टेज को थोड़ा कम करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो प्रीसेट मैंने थोड़ा घुमा दिया है दोस्तों, अब हम वापस से सप्लाई देंगे, ये देखिए। और अभी भी दोस्तों थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा ही है, ये देखिए 25-26 के आसपास है। थोड़ा प्रीसेट को हम फिर से घुमाएंगे और थोड़ा कम करेंगे, तो चलिए एक बार हम फिर से वोल्टेज चेक करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए 111 के आसपास वोल्टेज आ रहे हैं। तो अभी हमारे वोल्टेज तो ओके है दोस्तों, तो चलिए एक बार डिस्प्ले पर देखते हैं क्या शो होता है। तो ये देखिए दोस्तों, पीसीबी को मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है, तो चलिए इसे सप्लाई देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, जैसे ही सप्लाई दे दिया है, अभी हमारा ये देखिए एलईडी जल चुकी है। और ये देखिए दोस्तों, हमारा जो टीवी है वो भी ऑन हो चुका है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।